मल्हार पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, कल हमने उपयोजित लेखन का भाग एक देखा था, हम उसका भाग दो देखेंगे। मतलब जो बिंदुओं पे हमने कल चर्चा नहीं की थी उन पे आज हम यहाँ पे करेंगे। किस प्रकार से उस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और किन बिंदुओं के लिए उसमें अंक दिए जाते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे ताकि आप अधिक से अधिक अंक आपकी परीक्षा में प्राप्त कर सकें। कल हमने ये देखा था कि रचना विभाग जो होता है, उपयोजित लेखन विभाग 5 में आता है ये, और इसके कुल अंक होते हैं 26 अंक। ये आपको 26 अंक के लिए पूछा जाता है। अंक वर्गीकरण जो था इसका, वो था घटक और निर्धारित अंक, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने रहेंगे उस प्रश्न के लिए। पत्र लेखन के लिए थे 5 अंक, गद्य आकलन के लिए थे 4 अंक, वृत्तांत लेखन और या कहानी लेखन के लिए थे 5 अंक, विज्ञापन लेखन के लिए 5 अंक और निबंध लेखन के लिए कुल 7 अंक वहां पे आपको मैक्सिमम मार्क्स वहां पे रहते हैं। कुल अंक जो है वो 26 अंक है। पत्र लेखन, गद्य आकलन और वृत्तांत लेखन, ये तीन जो है वो हमने ये तीन बिंदुओं पे कल हमने चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन और निबंध लेखन। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना है, किन बातों पे हमें ध्यान देना है कि अधिक से अधिक हम अंक हम कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन और निबंध लेखन में प्राप्त कर सके, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है वो भी हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। कहानी लेखन जो है यह आपको, कहानी लेखन का जो प्रश्न है वो पत्रिका में, प्रश्न पत्रिका में 5A1 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। कहाँ पे पूछा जाएगा? प्रश्न 5A1 में ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। कहानी लेखन के लिए आपको कुल अंक होते हैं 5 अंक। कितने अंक होते हैं वहां पे? आपको 5 अंक होते हैं। अब यहाँ पे कहानी लेखन में अंकों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है वो भी हम देखते हैं। कुल अंक 5, शीर्षक, सटीक शीर्षक अगर आप देते हैं, सही शीर्षक अगर आप वहां पे लिखते हैं कहानी के हिसाब से, तो आपको मिलता है वहां पे 1 अंक। क्रमानुसार कहानी विस्तार, आप अगर कहानी का विस्तार जो है क्रम के अनुसार, जिस क्रम में आपको उधर एक रूपरेखा दी जाएगी कहानी की, उसी रूपरेखा के आधार पर अगर उसी क्रम के अनुसार अगर आप उसका विस्तार करते हैं तो आपको मिलते हैं 2 अंक। लेखन शैली और भाषा शैली, आपकी लेखन शैली कैसी है, आपकी भाषा शैली मतलब आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप बीच बीच में कुछ मुहावरों का अगर प्रयोग कर रहे हैं जो उस स्थान पे सटीक बैठते हो, सही होते हो, अगर इस तरीके का आप लेखन शैली को और सुंदर बनाते हैं तो वहां पे आपको उन बातों के लिए मिलते हैं 1 अंक। और कहानी के अंत में अगर आप सीख सही ढंग से लिख पाते हैं तो आपको मिलते हैं 1 अंक। परंतु याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ शीर्षक और सीक लिख देंगे और कहानी का विस्तार वहां पे सही प्रकार से नहीं करते, यानी कहानी नहीं लिखते हैं, तो आपको शीर्षक और सीक के 2 अंक नहीं मिल सकते। शीर्षक और सीक, इन दोनों के जो एक एक अंक है वो कब मिल सकते हैं आप लोगों को? जब आप क्रम के अनुसार विस्तार प्रॉपरली करते हैं कहानी का, मतलब आप कहानी लिखते हैं तो ही आपको शीर्षक और सीक के अंक मिलेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे नहीं कहानी तो मुझे आ नहीं रही है, ये कहानी मुझे लिखनी नहीं है, मैं सिर्फ शीर्षक लिख दूंगा और सीक लिख दूंगा और मुझे 2 अंक मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो जब आप शीर्षक लिख रहे हैं, सीक लिख रहे हैं, तो आपको कहानी जैसे भी आती हो थोड़ी बहुत वहां पे लिखनी है और क्रम का ध्यान रखना है। जो आपको वहां पे रूपरेखा दी जाती है उसे ही सिर्फ आप जोड़ने की कोशिश करते हैं तो भी आपको 1 अंक मिलता है। ओके,
कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जब आप कहानी लिख रहे हैं उधर लिखाते हो गए सॉरी, लिखते समय आपको कुछ बातों का वहां पे ध्यान देना है, वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। पत्र में लेखक को ध्यान पूर्वक बार बार पढ़े, आपको कहानी की रूपरेखा वहां पे दी जाएगी, उसे आपको ध्यान पूर्वक बार बार पढ़ लेना है, एक दो बार पढ़ लेना है कि वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, जिससे रूपरेखा के आधार पर कहानी स्पष्ट हो जाए आपके दिमाग में। जब आप एक दो बार अच्छे ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे तो आपके मस्तिष्क में दिमाग में वो कहानी की एक रूपरेखा स्पष्ट रूप से आ जाएगी। कहानी का मुख्य विषय क्या है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही शुरू से अंत तक कहानी लिखनी चाहिए। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको सबसे पहले समझना वहां पे आवश्यक है। एक बार अगर आप उस कहानी के मुख्य उद्देश्य को समझ लें तो उसी के अनुसार आपको कहानी का शुरुआत से लेकर अंत तक लिखते जाना है, क्योंकि अगर आप उद्देश्य के अनुसार वो कहानी नहीं लिखते हैं, कहानी का उद्देश्य कोई और है और आपकी कहानी कहीं और भटक रही है, तो आपको वहां पे अंक प्राप्त नहीं हो पाएंगे। चाहे आप कितनी भी प्रभावशाली भाषा का प्रयोग कर लीजिए, कितने मुहावरे का प्रयोग कीजिए, परंतु अगर वो कहानी के उद्देश्य के अनुरूप नहीं लिखी जा रही है तो आपको वहां पे अंक मिलना कठिन है। कहानी का प्रारंभ और विकास एक क्रमबद्ध तरीके से हो, कहानी की जो शुरुआत है वह और उसका विकास, मतलब आप जब आगे कहानी लिख बढ़ाएंगे आपकी, वो क्रमबद्ध मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक क्रम में वो लिखी जानी चाहिए। अर्थात प्रत्येक घटना एक दूसरे से जुड़ी हो, जो भी घटनाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होना आवश्यक है, जिससे कहानी अर्थपूर्ण लगे। जिससे क्या होगा, कहानी जो है वो अर्थपूर्ण लगेगी। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस से नहीं लिख रहे हैं, एक प्रॉपर क्रम से अगर वो कहानी नहीं लिख रहे हैं, तो कहानी जो है वो अर्थपूर्ण नहीं लगेगी। कई बार छात्र कहानी को अनावश्यक रूप से विस्तृत लिखकर नीरस और अर्थहीन बना देते हैं, इसलिए छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि कहानी सुंदर भाषा में सरल और सीमित शब्दों में हो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अधिक बड़ी कहानी लिखने से हमें अधिक अंक मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। आपको अनावश्यक रूप से उसको विस्तृत नहीं करना है, मतलब उसको लेंदी नहीं बनाना है, उसको बड़ा नहीं बनाना है। ठीक है, जब हम अधिक अनावश्यक रूप से अगर उसको हम लंबा खींचेंगे कहानी को, तो वो निरस हो जाएगी, मतलब पढ़ने वालों को उसमें कोई भी रस नहीं मिलेगा, आनंद नहीं आएगा और वो अर्थहीन प्रतीत होने लगेगी। तो ध्यान में रखिए, कहानी अधिक विस्तृत ना कीजिए, जितनी हो सकती है उतनी ही उसको विस्तृत कीजिए। कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करता हुआ छोटा, रोचक, भावपूर्ण एवं प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले के मन में पढ़ने की उत्सुकता जाग उठे। जब आप कहानी लिखते हैं तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, कहानी का जब आप शीर्षक लिख रहे हैं तो वह संक्षिप्त में यानी छोटा सा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, मतलब कहानी का शीर्षक पढ़ते ही पढ़ने वाले को लगना चाहिए नहीं ये कहानी तो मुझे आज पढ़नी ही है। कहानी का शीर्षक इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, भावपूर्ण और प्रभावशाली, मतलब उसका प्रभाव इस प्रकार होना चाहिए कि सबको वो कहानी का शीर्षक पढ़ते ही ऐसा लगे कि ये कहानी बड़ी रोचक कहानी है जिसे अभी ही हम पढ़ लें। अगर आप कहानी का शीर्षक बड़ा लिखते हैं, काफी बड़ा लिखेंगे तो सही नहीं होता है। कहानी बहुत ज्यादा काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, उससे वास्तविक की छाप होनी चाहिए। शब्दों और मुहावरों का कहानी में सही उपयोग करना चाहिए, मतलब कहानी काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, मतलब फैंटेसी कहानी आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है। ओके, कहानी काल्पनिक मतलब झूठी, मतलब ऐसा ना प्रतीत हो पढ़ने वाले को कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये चीजें आपने कहानी में लिख दी है, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब फैंटेसी कहानी आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है, उसका वास्तविक रूप से जीवन से
कोई ना कोई मेल मिलाप होना आवश्यक है, ठीक है, वास्तविक जीवन का वहां पे छाप होनी आवश्यक है। शब्दों और मुहावरों का कहानी में सही उपयोग करना चाहिए, जो आपके शब्द हैं वो सही चयन किए जाए और मुहावरों का भी चयन सही होना चाहिए। मुहावरों का चयन तो होना ही चाहिए, कभी भी अधिकतर बच्चे मुहावरे वहां पे प्रयोग में नहीं लाते हैं, परंतु अगर आप मुहावरों का प्रयोग वहां पे करते हैं तो आपको अंक प्राप्त करना और सरल हो जाता है। परंतु मुहावरे जो चयन किए जाए वो सही रूप से उस कहानी से सटीक बैठते हो, ऐसे ही मुहावरों का वहां पे चयन करना आवश्यक है। कहानी का अंतिम भाग उपदेशात्मक और प्रभावशाली होना चाहिए, उसे कहानी के अंत में अलग अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए। कहानी का जो अंतिम भाग होता है उपदेशात्मक, मतलब वहां से कोई उपदेश दिया जाए, इस प्रकार से वो लिखा जाए और वो काफी प्रभावशाली भी होना चाहिए। उसे कहानी के अंत में अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए, जो आप कहानी का उपदेश जो दे रहे हैं अंतिम परिच्छेद में, उसे अलग से अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए। मतलब वहां पे कई परिच्छेद में आपको कहानी से और एक ही परिच्छेद में पूरी कहानी लिख रहे हैं तो भी आपके अंक वहां पे कट सकते हैं। कहानी में घटना, स्थान, पात्र, दृश्य का वर्णन करना चाहिए। जो भी आप कहानी वहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, वहां पे घटना या कोई स्थान है तो उसको नाम दीजिएगा, पात्र हैं उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स आते हैं उनको भी आप वहां पे नाम दीजिएगा, उनका वर्णन करना आवश्यक है। कोई घटना कहाँ पे घटित हो रही है, उस स्थान का आप वर्णन कीजिए। ये सब छोटी बातें हैं मगर बड़ी आवश्यक बातें हैं। स्थान, पात्र आदि के नाम लिखने चाहिए, मतलब वहां पे आपको नाम लिखना अनिवार्य है, ताकि वो कहानी से लोग अपने आप को जोड़ सकें। कहानी में पात्रों के बीच आवश्यकता अनुसार वार्तालाप संवाद होने चाहिए। कहानी में जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बीच में डिस्कशन होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। यह संवाद स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। ये जो आप उनके बीच का वार्तालाप दिखाएंगे, कहानी में लिखेंगे, ये संवाद जो होते हैं वो स्वाभाविक होने चाहिए, मतलब वो लगना चाहिए कि नहीं जनरल लाइफ में वास्तविक जीवन में भी हम इसी प्रकार से बात करते हैं, ऐसे वो लगने चाहिए। छोटे जो संवाद होते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत लंबे संवाद वहां पे नहीं रखने हैं आपको, और वो आ सके इस प्रकार से उसे लिखा जाना आवश्यक है। संपूर्ण कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। जो आप कहानी लिखते हैं वो कहानी भूतकाल में होनी चाहिए, मतलब जैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, एक जंगल था, वहां पे एक शेर रहता था हम प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कहानी हम भूतकाल में लिखते हैं, मतलब ये कहानी पहले ही घटित हो चुकी है। कहानी आप क्या लिखते हैं कि हाँ ये घटना पहले घटित हो चुकी है, उस पे आधार पर आप कहानी लिखते हैं, तो वो भूतकाल में होनी ही आवश्यक है। पात्रों के संवाद वर्तमान काल या भविष्य काल में भी हो सकते हैं। जो पात्रों के बीच संवाद होते हैं वह भविष्य काल में हो सकते हैं या वर्तमान में भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आप लिख सकते हो, परंतु कहानी भूतकाल में होनी चाहिए। संवाद वर्तमान में भी चलेंगे और भविष्य काल में भी वहां आप लिख सकते हैं। रूपरेखा में दिए गए किसी भी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। जो रूपरेखा आपको दी जाएगी प्रश्न में, उसमें से किसी भी संकेत को आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी संकेत वहां पे दिए जाते हैं सबका प्रयोग आपको कहानी में करना है, वो आवश्यक है। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लिखना चाहिए, उन्हें उलट पुलट ना किया जाए। रूपरेखा में जो संकेत दिए जाते हैं वो जिस क्रम में आपको दिए जा रहे हैं उसी क्रम में वो कहानी में आना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि रूपरेखा में एक संकेत आपको बाद में दिया गया है परंतु आपने कहानी की शुरुआत में ही उसका प्रयोग किया है। इस प्रकार से कहानी जो है वह
ठीक ढंग से नहीं लिखी जा सकती और आपके अंक वहां पे कटेंगे। तो कहानी लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि सभी रूपरेखा में दिए गए संकेतों का प्रयोग कहानी में होना आवश्यक है, साथ ही साथ रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लिखना भी आवश्यक है। क्रम वहां पे बदले ना, इस बात का ध्यान देना महत्वपूर्ण है। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में ना लिखे, मतलब आप पूरी कहानी जो एक ही परिच्छेद में ना लिखे, मतलब एक ही पैराग्राफ में ना लिखे। कहानी के कम से कम तीन परिच्छेद होने चाहिए। कहानी में कम से कम कितने परिच्छेद होने चाहिए? तीन परिच्छेद। एक कहानी की शुरुआत जो होती है, एक कहानी का मध्य भाग और एक कहानी का उद्देश्य, उपदेश जो आप देते हैं उसके लिए अंतिम भाग। ठीक है, इस प्रकार से कम तीन परिच्छेद में आपको कहानी लिखने हैं। कई बच्चे कहानी शुरुआत करते हैं, अंत तक उसी परिच्छेद में उसको लिखे जाते हैं, तो ऐसा लिखना भी कहानी को प्रभावशाली बनने से रोकता है। ऊपर दिए गए सभी बातों का ध्यान में रखते हुए यदि छात्र कहानी लेखन का प्रश्न हल करेंगे तो निश्चित ही उन्हें अच्छे अंक मिलेंगे। जो भी हमने 12 यहाँ पे बिंदु पे चर्चा की है, इन बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो 100% आप पूरे के पूरे जो कहानी के अंक है, आपके 5 अंक, वो आप आसानी से यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। मुद्दों के आधार पर कहानी, ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मुद्दों के आधार पे कहानी किस प्रकार से लिखी जाएगी। आपको प्रश्न जो है प्रश्न पत्रिका में वो किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी आपको यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, कहानी के आपको क्या है, कुछ संकेत यहाँ पे दिए, एक रूपरेखा यहाँ पे दिए, वो रूपरेखा को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद पहले कहानी का शीर्षक आप लिखेंगे, फिर कहानी की शुरुआत करेंगे, कम से कम तीन परिच्छेद में कहानी लिखेंगे, उसके बाद आप सीख लिखेंगे और रूपरेखा में दिए गए सभी संकेतों को एक क्रमबद्ध पद्धति में ही लिखना है। तो आइए हम रूपरेखा पढ़ते हैं। गांव में लड़कियां सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समय पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना, अंत में शीर्षक। अब देखिए, एक रूपरेखा मैंने अभी यहाँ पे पढ़ी, हमने पढ़ी, तो यहाँ पे मुझे कुछ बातें ध्यान में आ गई। एक मन में मैंने एक छोटी सी कहानी बना ली कि गांव में कुछ लड़कियां रहती हैं जो बहुत ही पढ़ने में होशियार है और उसी गांव में पानी का अभाव है, इस वजह से लड़कियों को घर के कामों के साथ साथ पानी भरने जाना पड़ता है, जिस वजह से उनकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। ठीक है, उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है। लड़कियों ने समय पे चर्चा की और इससे उन्हें एक योजना उनके दिमाग में आई और उसी योजना के लिए गांव वालों ने उनकी सहायता की। ठीक है, और जब गांव वालों ने सहायता की तो वो इस बात के लिए सफल हो गए कि उन्हें पानी लाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ा। एक मैंने एक रूपरेखा के हिसाब से कहानी छोटी सी तैयार कर ली। अब इस कहानी को मैं ठीक ढंग से किस प्रकार लिखता हूँ ये हम देखते हैं। सूझबूझ का पल, कहानी का शीर्षक हम क्या देंगे? सूझबूझ का पल। अब देखिए, जब कहानी हम लिखते हैं तो
ओके मैम, नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर, यस। हेलो, यस सर, कंटिन्यू। हेलो, यस सर, कंटिन्यू योर लेक्चर। ओके 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 मैम। ओके, यहाँ पे कहानी की शुरुआत करते हैं समय हमें सूझबूझ का फल, यह शीर्षक हमने इस कहानी को दिया। कहानी को शीर्षक देना अनिवार्य है, साथ ही साथ हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि उसमें आए पात्रों को हम सही नाम दें, साथ ही साथ वहां पे आए नाम देना, कभी कभी हम नाम नहीं दे सकते तो वहां पे सरपंच, मुखिया, राजा, इस प्रकार से भी हम उनको संबोधन कर सकते हैं उनका। तो देखते हैं जो हमने यहाँ पे रूपरेखा पढ़ी उसके अनुसार हम कहानी का किस प्रकार लिख सकते हैं। राघोपुर आदिवासियों की आबादी वाला काफी बड़ा गांव था। देखो, हमने गांव को एक नाम दिया है। यह गांव कस्बे और शहर से बहुत दूर था। ये गांव जो था वो कस्बे और शहर से बहुत दूर था, मतलब हम उसकी एक उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, उस गांव का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए इस गांव में विकास के नाम पर एक सेकेंडरी स्कूल चालू करने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया था। गांव के लड़के लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ते थे। राघोपुर में पीने के पानी का भारी संकट था, इसलिए लोगों को 1 किलोमीटर दूर किशनपुर से पानी लाना पड़ता था। किशनपुर के सरपंच ने गांव वालों के सहयोग से एक बड़े कुएं का निर्माण करवाया था। अब ये जो लड़कियां वो कहाँ पे जा रही है, दूसरे गांव में पानी लाने जा रही है। जो रूपरेखा में दिए गए संकेत हैं उसके अनुसार हम ये कहानी लिखते जा रहे हैं। उस कुएं में बहुत पानी था। उस कुएं से दूर दूर के गांव के लोग पीने का पानी ले जाते थे। राघोपुर की लड़कियां घर के कामकाज में तो मदद करती थी, किशनपुर से पीने का पानी लाने का काम भी उन्हीं के जिम्मे होता था। इसलिए लड़कियों की पढ़ाई में इससे बाधा पहुंचती थी। एक दिन किशनपुर का सरपंच अपने गांव के कुएं की सफाई करवा रहा था, इसलिए राघोपुर की लड़कियों को कुएं से पानी लेने में काफी देर हो गई। इसलिए लड़कियां उस दिन स्कूल नहीं जा सकी। सरपंच को इससे बहुत दुख हुआ। सरपंच ने लड़कियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम अपने गांव में कुआं खोदना शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर लड़कियों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने गांव में आकर यह बात गांव के लोगों को बताई। लड़कियों ने उसी दिन से कुआं खोदने की शुरुआत की दी। वे पढ़ाई और काम धाम से बचा समय कुआं खोदने में लगाने लगी। उनकी देखा देखी गांव वाले भी इस काम में जुटने लगे। एक दिन कुआं खुद कर तैयार हो गया और उसके होते से उसमें गांव के लोगों के प्रतिदिन के उपयोग करने भर का पर्याप्त पानी निकल आया। अब गांव की लड़कियों का समय दूसरे गांव से पानी लाने में बर्बाद नहीं होता था। वह पूरे समय स्कूल में पढ़ाई करने लगी। गांव के लोग भी बहुत प्रसन्न थे। अब ये जो हमने कहानी लिखी है, प्रथम हमने क्या लिखा, यहाँ पे एक सीख लिखी, उसके बाद हमने कहानी लिखे। कहानी देखिएगा, पहले हमने गांव का वर्णन किया, वहां की परिस्थिति हमने दूसरे परिच्छेद में बताई, बाद में लड़कियों को क्या करना पड़ता था, उन्हें किस प्रकार से मदद मिली, किस प्रकार से उन्होंने कुआं खुदवाया, हर एक के लिए हमें एक एक परिच्छेद लिखते गए। और सबसे अंत में जो सबसे अनिवार्य भी है वो है सीख लिखना, आत्मनिर्भरता में ही सुख है। तो इस प्रकार से आपको कहानी लिखनी है। कहानी 70 से 80 शब्दों में हो, उसमें सीख और शीर्षक दोनों अनिवार्य हैं, और कहानी एक परिच्छेद में ना होकर
तीन या तीन से अधिक परिच्छेद में होना आवश्यक है। चलिए हम एक और कहानी यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शिक्षक दीजिए तथा सीख लीजिए। एक कौवा और एक हंस, दोनों में मित्रता, दोनों का आकाश में उड़ना, सड़क से एक ग्वाले को दधिपात्र यानी दही का पात्र लेकर गुजरते हुए देखना, कौवे का पात्र पर चुपचाप बैठकर दही खाने का आग्रह, हंस का इनकार, कौवे का घसीट कर ले जाना, कौवे का चोच नचा कर दही का स्वाद लेना, हंस का बैठे रहना, आहट पाकर कौवे का उड़ जाना, हंस का पकड़ा जाना और अंत में परिणाम। यह एक रूपरेखा हमें दी गई है। इसमें हमें दिया गया है कि एक कौवा और एक हंस है, दोनों मित्र हैं और किस प्रकार से कौवा हंस को एक गलत काम मतलब दही पात्र पे बैठ के दही खाने के लिए आग्रह करता है, वो नहीं वो इनकार करता है तो किस प्रकार से उसको जबरदस्ती वो ले जाता है और अंत में कौवा तो निकल जाता है वहां से बच के परंतु हंस फंस जाता है और उस वहां पे उसका क्या परिणाम होता है, इस पे आधारित हमें कहानी लिखनी है। ठीक है, तो देखिए कहानी किस प्रकार से लिख सकते हैं हम। एक पार्वती नगर था, वह सड़क के किनारे के वृक्ष पर एक कौवा रहता था। वहां सड़क के किनारे क्या एक वृक्ष था जहाँ पे कौवा रहता था, उसी वृक्ष पर एक हंस भी रहता था। दोनों में अच्छी मित्रता थी, दोनों दूर दूर तक आकाश में उड़ते थे, पेड़ पर उछल कूद करते थे और खुश रहते थे। एक दिन कौवा और हंस दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने एक ग्वाले को सिर पर दधि पात्र लेकर सड़क पर से गुजरते हुए देखा। दही देखकर कौवे के मुंह में पानी भराया। उसने हंस से कहा, चलो हम दोनों दही की हांडी के मुंह पर बैठकर दही का स्वाद लें। हंस ने कहा, इस तरह चोरी से किसी की चीज खाना अच्छी बात नहीं, मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, मैं तो नहीं खाऊंगा। इस पर कौवे ने हंस को अपनी मित्रता की कसम खिलाई और बलपूर्वक खींचकर उसे दही हांडी के मुख पर ले गया। कौवा चोंच मटका कर दही का स्वाद लेने लगा जबकि हंस चुपचाप बैठा रहा। अचानक ग्वाले को हांडी पर किसी के होने की भनक लगी। उसने एक हाथ से हांडी कसकर पकड़ी और दूसरे हाथ से हाथ ऊपर उठाकर टटोलने लगा। आहत पाते ही कौवा फौरन उड़ गया और हंस ग्वाले की पकड़ में आ गया। क्रोधित ग्वाले ने हंस को मार डाला। हंस ने दुष्ट कौवे की संगति की, इसलिए उसे जान से हाथ धोना पड़ा। ये हो गया परिणाम। तो शुरुआत हमने की एक शीर्षक से, शीर्षक था बुरी संगति का परिणाम। फिर हमने एक गांव को नाम दिया, उस गांव वहां के उस स्थान का वर्णन किया, कौवा कहाँ रहता है, हंस कहाँ रहता है, उनकी मित्रता कैसी है, और उसके बाद हमने आगे की कहानी को विस्तृत रूप दिया। अंत में हमने परिणाम लिखा कि किस प्रकार कौवा तो बच गया परंतु हंस की वहां पे मृत्यु हो गई। अब अंत में क्या लिखना है हमें, सबसे अनिवार्य जो है वो सीख, दुष्ट की संगत जानलेवा होती है। दुष्ट की संगत क्या है, जानलेवा होती है, या बुरी संगत का बुरा नतीजा, ये भी आप लिख सकते हैं। ऐसे और भी आप शीर्षक आपके मन से बना के वहां पे लिख सकते हैं, परंतु शीर्षक एक वाक्य में हो तो उसका असर ज्यादा होता है, वो सही लगता है। अगला बिंदु है जिस पे हमें आज चर्चा करनी है वो है विज्ञापन लेखन। अंक विभाजन किस प्रकार से है, विज्ञापन लेखन जो है कुल आपको 5 अंक के लिए आता है। इसका अंक विभाजन जो है विषयानुसार अभिव्यक्ति आदि 2 अंक, रोचक सहज और प्रभावी भाषा आदि 2 अंक और विषयानुरूप समापन आदि 1 अंक। जब आप विज्ञापन लिख रहे हैं तो कितना प्रभावी है, कितना सहज है और कितना रोचक है, उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। किस प्रकार आप उसमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट
बता रहे हैं लोगों को, उसके दो अंक है, और उसका समापन किस प्रकार से करते हैं विषयानुरूप, उसके लिए आपको एक अंक वहां पे मिल सकता है। विज्ञापन बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक होना चाहिए। जो आपका विज्ञापन है वो कम शब्दों में हो और अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक होना आवश्यक है। नारे स्लोगन को प्रेरक वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। नारे या स्लोगन होते हैं या कोई प्रेरक वाक्य है तो उनका यहाँ पे प्रयोग करना आवश्यक है। बहुत अधिक चित्रों का प्रयोग ना करें। चित्रों का एक तो बिल्कुल प्रयोग ना करें वो भी सही है, अगर करना ही पड़ता है तो कम से कम चित्र का प्रयोग आपको विज्ञापन में करना है, ना के बराबर। जरूरत के अनुसार ही चित्रों का प्रयोग करना उचित रहेगा। कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना चाहिए। बॉक्स, गोले या अन्य चित्रों का इस्तेमाल भी अच्छा प्रभाव डालता है। जब आप विज्ञापन लिखते हैं तो वहां पे उसे बॉक्स में लिखिए या गोल गोल ऐसे सर्कल बनाइए उसमें लिखिए। लोक लुभावने शब्द जैसे सेल, धमाका, खुशखबरी, एक पे एक फ्री, स्टॉक सीमित, पहले आइए पहले पाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, जल्दी करो स्टॉक सीमित, अपना सपना साकार करें, जल्दी आइए कहीं देर ना हो जाए, या 40% छूट आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ये लोगों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, स्लोगन्स होते हैं, इनका प्रयोग आपको आपके विज्ञापन में अवश्य करना चाहिए ताकि लोग अधिक आकर्षित इन्हीं शब्दों की ओर होते हैं। विज्ञापन के अंत में अपना संपर्क नंबर, फोन नंबर अवश्य दें जो कंपनी या दुकान का हो। कभी भी याद रखेगा, अगर आप किसी दुकान का कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन बनाते हैं, तो वहां पे उस कंपनी का या उस दुकान का फोन नंबर या पता, मेल आईडी देना आवश्यक होता है। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए और वाक्य बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्य जो है बहुत छोटे, 3-4-5 शब्दों तक ही होने सीमित होने चाहिए, और जो आपकी भाषा है वो इतनी सरल हो कि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। अगर विज्ञापन किसी सामान के खरीदने या बेचने से संबंधित है तो उसका मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में भी अवश्य लिखें। अगर विज्ञापन आप किसी सामान के खरीदने या बेचने के बारे में बना रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ मिलेगा, किस दुकान में मिलेगा, किस मूल्य पे मिलेगा, ये सब आपको विज्ञापन में देना आवश्यक होता है। लिखावट आकर्षक होनी चाहिए। जो आपकी राइटिंग होगी वो आकर्षक होनी चाहिए तथा अलग अलग तरह के लिखावट फॉन्ट का इस्तेमाल कर विज्ञापन को और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। आप अलग अलग फॉन्ट का प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञापन में वस्तु से संबंधित विषय के बारे में ही विस्तार से होना चाहिए। विज्ञापन में जो वस्तु है उससे संबंधित जो विषय के बारे में विस्तार से होना, विस्तार मतलब आपको बहुत लेंदी नहीं लिखना है, कम शब्दों में लेकिन सॉरी उसके बारे में पूरी जानकारी जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, वहां तक पहुंचनी आवश्यक होती है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50-60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। अब आपको प्रश्न किस प्रकार से आता है, ठीक है, वहां पे आपको एक जानकारी दी जाएगी और 50-60 शब्दों में वहां पे आपको विज्ञापन तैयार करना है। वहां पे क्या क्या बिंदु दिए गए आपको, सिरमौर छाते, मतलब आपको जो विज्ञापन तैयार करना है वो किस पे आधारित करना है, सिरमौर छाते पे आधारित आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। अब इधर कुछ मुद्दे दिए गए सिरमौर छाते के, धूप से रक्षा, बरसात से सुरक्षा, रंग बिरंगे मजबूत, इसी के आधार पे आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। देखिए विज्ञापन हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप उधर एक चौकोन बनाइए या एक सर्कल बनाइए जिसके अंदर आपको ये विज्ञापन लिखना है। धूप ना सताए, बरसात से बचाए, बचाए होना चाहिए था, छाए हो गया उधर,
धूप न सताए बरसात से बचाए, सर पे सवार रहे छत्र बन जाए, छतरी भी कहलाए और छाता भी कहलाए, इस छाते को लगाकर सभी इतराए, सुंदर रंग बिरंगे मजबूत सदाबहार, सर्वत्र उपलब्ध सिरमौर छाते, वाजिब दाम चोखा काम। देखिए यहाँ पे किस प्रकार के राइमिंग वर्ड्स भी हमने यूज किए हैं, ठीक है, उसी प्रकार से आपको विज्ञापन आपका बनाना है। जो शब्द हैं पढ़ने वाला भी न चाहते हुए भी उस जो वो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन है, विज्ञापन है, उसे एक बार पढ़ेगा, कहीं ना कहीं उसके मन में ये आएगा कि हाँ ये छाता हमें खरीदना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका विज्ञापन होना आवश्यक है। धूप ना सताए बरसात से बचाए, सर पर सवार रहे छत्र बन जाए, छतरी भी कहलाए और छाता भी कहलाए, इस छाते को लगाकर सभी तरह। देखिए किस प्रकार से हमने यहाँ पे एक राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग किया है ताकि ये जो विज्ञापन है हमारा वो और आकर्षित वहां पे लोगों को करे। एक और उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। जानकारी है एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, ठीक है। जब आप किसी नौकरी का विज्ञापन बनाते हैं तो वहां पे राइमिंग वर्ड वगैरह इस प्रकार के शब्दों का वहां पे प्रयोग ना करें। अब जो हमारा मुद्दा है, ये बिंदु है, वो है एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। इससे हमें एक विज्ञापन बनाना है और यहाँ पे कुछ जानकारी हमें दी गई है, कुछ मुद्दे यहाँ पे दिए गए, वो कौन कौन से हम देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता का विज्ञापन में आना आवश्यक है। कालावधि मतलब कितने समय तक उसे कार्य करना है। आयु सीमा मतलब जो काम की तलाश में आएगा, जो सुरक्षा रक्षक बनना है उसकी आयु की सीमा क्या होनी चाहिए, कितने उम्र से ऊपर होना चाहिए, कितने से नीचे होना चाहिए, और संपर्क कहाँ पे वो संपर्क करे, ये भी देना आवश्यक है। आवश्यकता है एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा होना चाहिए था, चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो। देखिए क्या क्या मुद्दे जरूरी हैं। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन किस चीज के लिए दिया गया, एटीएम के लिए। किस पद के लिए दिया गया है, सुरक्षा रक्षक के लिए। उसकी आयु सीमा लिखना आवश्यक है, तो वहां पे लिखे हैं जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो। शैक्षणिक योग्यता मतलब उसका एजुकेशन कितना हुआ है, वहां पे लिखना आवश्यक है, तो वो है ग्रेजुएट, शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट। कार्य का समय देना भी आवश्यक होता है, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। कहाँ पे संपर्क करना है, HATM सर्विसेज मोबाइल नंबर 1223543। ईमेल है hatm@xyz.com। तो इस प्रकार से आपको जब नौकरी का विज्ञापन आप लिखते हैं तो इस प्रकार से आपको वहां पे लिखना आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या क्या मुद्दे आए, किस चीज के लिए ये विज्ञापन दिया गया है, कहाँ की नौकरी है, किस पद के लिए नौकरी है, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कार्य का समय क्या होना चाहिए, और संपर्क कहाँ पे करना, इन सभी बातों का वहां पे आना अनिवार्य है। एक और विज्ञापन हम देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। कपड़ों का मेल हटाना, कपड़ों में पीलापन दूर करना झकाझक, ठीक है। तो ये झकाझक साबुन की हमें क्या करनी है, यहाँ पे विज्ञापन बनाना है जिसके मुद्दे हैं कपड़ों का मेल हटाना, कपड़ों में चमक लाना, पीलापन दूर करना। चकाचौन साबन जैसा नाम वैसा काम, कपड़े जैसे भी हो मैले कुचले दाग लगे हुए पीले पड़े हुए चकाचौन साबुन से धोते ही हो जाते हैं, हमें चमक लाए, कपड़ों का पीलापन मिटाए। सकर देखिए 5 इक्या का एक मूल्य 100। साबुन जो है वो हर किराना दुकान में आ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार
जो लोगों को पढ़ने वाले को आकर्षित करे और लेने पे मजबूर करे। अब जो आखिरी है ठीक है वो है निबंध लेखन। अब निबंध लेखन कितने अंक के लिए होता है? कुल आपको 7 अंक के लिए होता है और ये प्रश्न 5E में आपको पूछा जाता है। कौन सा प्रश्न? प्रश्न 5E में। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। निबंध जो है एक बंधी हुई रचना है, वो रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है। अंकों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है, आकर्षक प्रारंभ तथा प्रस्तावना आदि 1 अंक। आप किस तरीके से उसके आरंभ करते हैं निबंध का, उसके लिए आपको 1 अंक होता है। विषय के अनुसार विस्तार आदि 2 अंक। आप विषय से लगते हुए विषय से सटीक जाते हुए अगर उसका विस्तार करते हैं तो आपको 2 अंक मिलते हैं। मुहावरेदार तथा रोचक भाषा शैली का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। निष्कर्ष समापन आदि के लिए आपको 2 अंक, मतलब जो अंत होता है निबंध का वो आप किस प्रकार से कर रहे हैं उस पर आपको 2 अंक मिलते हैं। और कुल अंक यहाँ पे होते हैं 7 अंक। पाठ्यक्रम के अनुसार निबंध लेखन के प्रकार, आप जो निबंध लेखन करेंगे उसके प्रकार कितने हैं? आत्मकथनात्मक, वैचारिक, वर्णात्मक, चरित्रात्मक और कल्पना प्रधान। ये 5 प्रकार होते हैं निबंध लेखन के। तो इसी के अनुरूप आपके जो शीर्षक है आपको प्रश्न में पूछा जाएगा। आत्मकथनात्मक निबंध लिखते समय आवश्यक महत्वपूर्ण बातें क्या हैं वो हम देखते हैं। आत्मकथा अर्थात स्वयं की कथा, आत्मकथा जो होती है वो क्या होती है? स्वयं की कथा। मतलब अगर आपको प्रश्न में निबंध का प्रश्न इस प्रकार से आता है कि एक पुस्तक की आत्मकथा लिखिए, जब पुस्तक की आप आत्मकथा लिख रहे हैं तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको आत्मकथा लिखते समय इस प्रकार से लिखना है कि आप ही पुस्तक हो और आप उसकी आत्मकथा लिख रहे हो, मतलब खुद की आत्मकथा लिख रहे हो। मैं एक पुस्तक हूँ, फिर आपने अपने बारे में ही बताना है कि कोई और पुस्तक है उसके बारे में आप बता रहे हो, ऐसा नहीं, आप ही पुस्तक हो और आप अपने खुद के बारे में बता रहे हो। इस तरीके से आत्मकथन कथा लिखी जाती है। किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की जगह स्वयं को स्थापित करना होता है। लेखन की भाषा प्रधान पुरुष एक वचन में हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब पुस्तक, मतलब पुस्तक कौन है? मैं ही पुस्तक हूँ और मैं बोल रहा हूँ, यानी पुस्तक बोल रहा है, इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रारंभ में विषय से संबंधित उचित प्रस्तावना, सुवचन, घटना, प्रसंग संक्षेप में लिखा जा सकता है। इसका एक उचित आपको प्रस्तावना रख सकते हैं, एक आप सुवचन मतलब अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छे वाक्यों का प्रयोग वहां पे करते हुए उसकी शुरुआत कर सकते हैं। सीधे में हूँ मैं से प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे मैं एक पुस्तक हूँ, मैं एक वस्तु हूँ, मैं एक पक्षी हूँ, मैं एक जगह हूँ, और आप कहानी का शुरुआत भी यहाँ पे कर सकते हैं जिसमें आत्मकथा जब लिखने को आपको दी जाएगी। अधिकतर आपको आत्मकथा पे भी प्रश्न आते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच संदीप सर। ओके, वेलकम वेलकम, थैंक यू मैम।